Now we will going to study the discovery of electricity. So if we talk about the discovery of electricity, तो electricity किसी एक person ने discover नहीं की. सबसे बड़ी खासियत यह है कि इलेक्ट्रिसिटी किसी एक पर्सन की डिस्कवरी नहीं है, ये कई सारे लोगों ने ओवर द टाइम अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट में, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई है. जैसा आप जानते हैं कि गूगल किसने बनाया, फेसबुक किसने बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाई, यह सभी चीज़ें आप जानते हैं. और जिन पर्सन्स ने इस चीज़ों को बनाया है आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ओके. बट एक बार जरा सोचिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या ये पर्सन, क्या ये चीजें, क्या ये एंटिटीज एग्जिस्ट कर पाएंगी? हम कहेंगे नो, ऑब्वियसली ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सभी डिवाइसेस, ये सभी एप्लीकेशंस, एंटिटीज चलती तो इलेक्ट्रिसिटी पे ही है. तो एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अगर इन सभी एंटिटीज की रिस्पेक्ट करते हैं तो प्लीज रिस्पेक्ट दोज पीपल ऑल्सो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी. जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए. सो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ कैसे. देखिए, जब अर्थ बनी थी, जब अर्ली मैन अर्थ पे आए थे, अर्ली मैन जो बाबा आदम जिसे हम कहते हैं, सो आपने ये सुना होगा कि वह अपनी केव में फायर प्रोड्यूस करते थे. वह क्या करते थे, वह सूखी लकड़ी को जमा करके और उसको आग लगाते थे और वहां से फिर फायर प्रोड्यूस करते थे. लेकिन ये सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट तो वहीं से स्टार्ट हो चुका था. इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो उन्हीं के टाइम से स्टार्ट हो चुका था. कैसे? वह पत्थर रगड़ के अपने सूखी हुई लकड़ियों को आग लगाया करते थे. पत्थर रगड़ने से क्या होता है, पत्थर रगड़ने से एक स्पार्क निकलता था और स्पार्क निकल के जो स्पार्क निकलता था वह बेसिकली उस लकड़ी को, उस सूखी लकड़ी को फायर करता था. सो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज, अगर आप सोचे कि इट इज अ मॉडर्न डे टेक्निक या ये मॉडर्न डे का कोई टूल है, डिवाइस है, तो ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी तो अर्ली मैन के टाइम से, बाबा आदम के जमाने से यूज होती आ रही है, ओके. सो वह जो प्रोड्यूस करते थे, जो दो पत्थर रगड़ के स्पार्क निकालते थे, दैट स्पार्क इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी. वह और कुछ नहीं, वह इलेक्ट्रिसिटी ही था. लेकिन उस समय किसी को मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली जो हम कर रहे हैं, जो ऐसा पत्थर रगड़ रहे हैं और ये स्पार्क निकल रहा है, ये क्या चीज है, ये कैसे निकल रहा है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था. वह जस्ट उसे यूज करते थे फायर प्रोड्यूस करने के लिए. फिर ओवर द टाइम जब थोड़ा और समय बीता, जब ग्रीक फिलोसोफर्स का एरा आया, जब ग्रीक फिलोसोफर्स हुए, आप ये जानते होंगे मोस्ट ऑफ द फिलोसफीज जो दी हुई हैं वो ग्रीक फिलोसोफर्स के द्वारा दी गई हैं. ग्रीस में जो होते थे वह लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमानी माना जाते थे, उनके पास सबसे ज्यादा दिमाग होता था, ऐसा उस समय मानते थे. और उसी समय, दैट इज इन 600 BC, 600 BC, एक ग्रीक फिलोसोफर थे, एक थिंकर थे, जिनका नाम था थेल्स नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर थे. इन्होंने एक बहुत ही विचित्र सी चीज ऑब्जर्व करी, एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन किया. इन्होंने यह देखा दैट व्हेन एम्बर इज रब्ड एंड ब्रॉट टू वर्ड्स straw, it starts attracting the straw. So what Thales observed, Thales ने देखा कि अगर मैं amber, now what is amber? Amber is nothing but an organic resin. यह रेजिन होता है, रेजिन मतलब रोला जिसे हम कहते हैं हिंदी में. सो ऑर्गेनिक रेजिन होता है, यह नेचुरली अकरिंग होता है.
यह ट्रांसपेरेंट बिल्कुल स्टोन के जैसा होता है, स्टोन के जैसा शेप होता है इसका और ट्रांसपेरेंट होता है। सो थेल्स ने ऑब्जर्व किया कि अगर इस एम्बर को मैं कहीं पर रगड़ूं और रगड़ने के बाद जब स्ट्रॉ के पास लेके जाऊं, स्ट्रॉ क्या चीज है? स्ट्रॉ मतलब सूखी हुई घास, जो सूखे हुए घास पार्टिकल्स होते हैं, रॉड्स के शेप में होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, उनके पास अगर मैं इस एम्बर को लेके जाऊं, सो दिस एम्बर स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग दीज स्ट्रॉ। थेल्स ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे वो इस एम्बर को रगड़ के इस स्ट्रॉ के पास ले जाता है, यह स्ट्रॉ उससे चिपक जाती है, उसको यह एम्बर उसे अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, सो थेल्स ने इस ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया। थेल्स ने ये सोचा कि ये जो चीज हो रही है बेसिकली है क्या, ऐसा क्या हुआ एम्बर में रगड़ने पे कि वह स्ट्रॉ को अट्रैक्ट करने लगा। फिर उन्होंने नॉर्मल एम्बर को बिना रगड़े स्ट्रॉ के पास लेके गए, तब यह अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हुआ, तब वहां पे कोई फेनोमेना नहीं हुआ। तो थेल्स ने कहा कि इस एम्बर में रगड़ने से, इसको रब करने से कोई एक शक्ति आ जाती है, कोई पावर आ जाती है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉ को अट्रैक्ट करता है। लेकिन वो ये नहीं समझा पाए कि बेसिकली ये जो पावर है ये क्या है, ये किस तरह की पावर है, इसे वह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उन्होंने सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन को देख के इस फिनोमिना को एक नाम दे दिया। इस फिनोमिना को जो ये जो पावर एम्बर के पास आ गई अट्रैक्शन से, रबिंग से, उस रबिंग को, उस पावर को उन्होंने एक नाम दे दिया, एंड दैट नेम इज इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज एम्बर का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। एम्बर का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। ग्रीक लैंग्वेज में एम्बर को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, इस इलेक्ट्रॉन ने, इस एम्बर ने यह अट्रैक्शन दिखाया, इसीलिए उन्होंने इस फेनोमिना को नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। बट ये प्रूव नहीं कर पाए कि यह फेनोमिना आखिर हुआ क्यों। यह फेनोमिना का कोई एक्सप्लेनेशन थेल्स के पास नहीं था, बट क्योंकि थेल्स एक बहुत ही माने हुए फिलोसोफर थे, इसलिए उनकी थ्योरी एक्सेप्ट कर ली गई और इलेक्ट्रिसिटी का नाम वहां से डिस्कवर हुआ और वहां से उसको कंटिन्यू किया गया। फिर ओवर द टाइम अलग अलग फिलोसोफर्स ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और इसके ऊपर रिसर्च करी कि ये जो अट्रैक्शन है ये क्यों क्रिएट हो रहा है, आखिर ऐसा क्या है इस एम्बर में कि उसको रब करने पे इस तरह का एक अट्रैक्शन फिनोमिना क्रिएट होता है। धीरे 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 ओवर द टाइम बहुत समय तक रिसर्च चलती रही, फिलोसॉफी सब देते रहे बट किसी की भी एक्सेप्ट नहीं करी, और फाइनली 17th century में सर विलियम गिलबर्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और एक और फिनोमिना उनके सामने आया। सर विलियम गिलबर्ट ने, देखिए, 17th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट किया। थेल्स ने कब किया था? थेल्स ने 600 BC में किया था। सो 600 BC से 17th सेंचुरी मींस 1600 AD के ऊपर का समय, 1600 AD के आगे का समय। सो मोर देन 1400 ईयर्स, 1400 साल बाद जाके एक्सपेरिमेंट हुआ। तो इसका यह मतलब नहीं है कि 600 BC से 1600 AD तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। देखिए, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, सबने अपने अपने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ ना कुछ फिलॉसफी जरूर दी, बट किसी की भी फिलॉसफी एक्सेप्टेबल नहीं थी, एक तरह से वो फेलियर थी। तो हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में जो फेल हो जाता है उसे हम याद नहीं करते, हम उन्हें जरूर याद करते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। तो इसीलिए थेल्स के बाद जो सक्सेसफुल पर्सन थे वो सर विलियम गिलबर्ट थे इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में, इसीलिए सर विलियम गिलबर्ट का नाम हम पढ़ते हैं। थेल्स और विलियम गिलबर्ट के पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट, या उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, बट फिर भी नाम इन्हीं का आता है। तो सर विलियम गिलबर्ट ने क्या करा, एक और एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर विलियम गिलबर्ट ने कहा दैट वेन अ ग्लास रॉड इज rubbed with silk and brought
near paper clips, it starts attracting पेपर क्लिप्स. सो सर विलियम गिलबर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना किया. उन्होंने एक ग्लास का रॉड लिया, बिल्कुल लगभग इस पेन के जैसा एक ग्लास का रॉड लिया. उस ग्लास के रॉड को उन्होंने सिल्क के ऊपर रब किया और फिर उस रब किए हुए ग्लास रॉड को पेपर क्लिप के पास लेके गए. पेपर क्लिप मतलब कागज के टुकड़े. कागज के टुकड़े के पास लेके गए, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कागज के. तो उन्होंने यह देखा कि दिस ग्लास रॉड स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग दोस पेपर क्लिप्स. उन्होंने यह देखा कि यह ग्लास रॉड उस पेपर क्लिप को अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है. तो इस तरह का फिनोमेना इन्होंने ऑब्जर्व किया. नाउ अब ये जो ग्लास रॉड है, उन्होंने सोचा कि शायद इस ग्लास रॉड में कुछ पावर है जिसकी वजह से यह इस तरह से अट्रैक्ट कर रही है. फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक और ग्लास रॉड लिया और उसको बिना रब किए, बिना सिल्क पे रब किए पेपर क्लिप के पास लेके गए. तब उन्होंने देखा कि वहां पे किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होता. फिर उन्होंने उस ग्लास रॉड को रब किया और फिर पेपर क्लिप के पास लेके गए, तो यस अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है. तो यहां पे उन्होंने ये देखा कि इस ग्लास रॉड को जब मैं सिल्क के ऊपर रगड़ता हूं तो इसमें किसी प्रकार की पावर आ जाती है, किसी प्रकार की शक्ति आ जाती है जिसकी वजह से ये उस पेपर क्लिप को अट्रैक्ट करने लगता है. तो सर विलियम गिलबर्ट ने ये प्रूफ किया कि जो फिनोमिना थेल्स ने एम्बर के लिए बताया था कि एम्बर में ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी पावर है, वैसा ही प्रॉपर्टी, वैसी ही पावर ग्लास रॉड में भी होती है. फिर ग्लास रॉड को उन्होंने सिल्क के बजाय किसी और सब्सटेंस से, फॉर एग्जाम्पल कॉटन से रब करके देखा, तो कॉटन से करके देखा और फिर उसको पेपर क्लिप के पास लेके गए, तब ये फिनोमेना फिर से नहीं हुआ. सो व्हाट ही सेड कि ग्लास रॉड और सिल्क के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन क्रिएट होता है. बट वो अगेन इस अट्रैक्शन को, इस पावर को वो प्रूव नहीं कर पाए कि ये बेसिकली क्या पावर है और क्यों होती है. इसके बारे में सर विलियम गिलबर्ट कुछ भी नहीं बता पाए. फिर और थोड़ा समय बिता, और समय बिता धीरे धीरे. देन इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी मतलब 1700 एडी के आगे का समय, 1700 एडी के आगे का समय, वहां पे एक और नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रैंकोइस डुफ्राय. यह एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे फ्रैंकोइस डुफ्राय. और इन्होंने अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना नोट किया. इन्होंने एक और चीज डिस्कवर की इन्हीं दोनों चीजों को लेके, जो थेल्स ने थ्योरी दी थी और विलियम गिलबर्ट ने थ्योरी दी थी, इसी को यूज करके इन्होंने एक और फिनोमेना ऑब्जर्व किया. एंड ही सेड दैट व्हेन अ प्लास्टिक रॉड is rubbed with fur and brought towards paper clip, it starts attracting paper clip. तो फ्रैंकोइस डुफ्राय ने क्या कहा? फ्रैंकोइस डुफ्राय ने कहा कि जो चीज थेल्स ने एम्बर के लिए बताई, जो चीज विलियम गिलबर्ट ने ग्लास रॉड के लिए बताई, सेम उसी तरह का फिनोमेना एक प्लास्टिक की रॉड में भी देखने को मिलता है. प्लास्टिक रॉड, अगेन इस पेन के जैसा प्लास्टिक रॉड. इसको अगर मैं फर के ऊपर रब करूं, फर क्या है? फर एक सिंथेटिक मटेरियल है, जैसे जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल के जो बॉडी पे स्किन है, इट्स लाइक फर. तो अगर मैं किसी एनिमल की स्किन पे इसे रब करूं और रब करके पेपर क्लिप के पास लेके जाऊं, सो दिस प्लास्टिक रॉड ऑल्सो स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द पेपर क्लिप.
मतलब प्लास्टिक रॉड में भी किसी प्रकार की पावर आ जाती है। फिर उन्होंने इसी प्लास्टिक रॉड को सिल्क के ऊपर रब करके देखा और फिर पेपर क्लिप के पास लेके गए, लेकिन अगेन उन्हें कोई अट्रैक्शन क्रिएट होता नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि एम्बर में कोई एक ऐसी पावर है जो अट्रैक्शन क्रिएट करती है, ग्लास रॉड में तभी पावर है जब वो सिल्क से रब किया गया हो, और प्लास्टिक रॉड में तभी पावर है जब वो फर से रब किया गया हो। इस तरह का फिनोमिना फ्रैंकुस डूफ्राय ने देखा। फिर लोगों ने कहा कि इसमें क्या खास बात है, ये तो थेल्स ने और सर विलियम गिलबर्ट ने ऑलरेडी डिस्कवर कर दिया, तो आपने क्या किया, आपने तो सिर्फ एक प्लास्टिक रॉड का बता दिया कि प्लास्टिक रॉड रब करो और पेपर क्लिप के पास ले जाओ। बट ये चीज तो हम सुन चुके हैं, अब कुछ नया बताओ, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। तो उन्हें ये कहा गया कि प्लीज एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने बताया है, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करो। सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने और रिसर्च करी और इन्होंने फाइनली एक एक ग्लास रॉड ली और एक प्लास्टिक रॉड ली। तो ग्लास रॉड को रब करा सिल्क पे, प्लास्टिक रॉड को रब करा फर के ऊपर, और फिर ये देखा कि दोनों को पेपर क्लिप के पास जब ले जाया जाता है तो दोनों ही पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फिनोमेना प्रूव हो गया, ये फिनोमेना प्रूव हो गया। लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो प्लास्टिक की रॉड्स ली और दोनों प्लास्टिक की रॉड्स को एक फर के ऊपर ऐसा रब किया, और जब फर के ऊपर रब करके इन दोनों रॉड्स को ये पास पास लेके आए, सो ही ऑब्जर्व्ड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना कि ये दोनों प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रही है, यह प्लास्टिक रॉड्स अट्रैक्ट नहीं कर रही, यह एक दूसरे को रिपेल कर रही है। सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, ही सॉ दैट व्हेन टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विथ फर एंड ब्रॉड टूवर्ड्स ईच अदर, दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, दे स्टार्ट रिपेलिंग। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फेनामिना। अभी तक हमने सिर्फ अट्रैक्शन देखा था कि रब करने पे आप जब दो ऑब्जेक्ट्स को पास लाते हो तो अट्रैक्शन क्रिएट होता है, बट इन्होंने एक नई चीज प्रूव कर दी कि दो प्लास्टिक रॉड्स को फर पे रब कीजिए और पास पास लेके आइए तो इन दोनों में रिपल्शन क्रिएट होगा, ना कि अट्रैक्शन क्रिएट होगा। फिर इसी फिनोमिना को इन्होंने क्या करा, इन्होंने दो ग्लास रॉड्स ली, पहले प्लास्टिक रॉड्स पे अपना लिया, देन ग्लास रॉड्स ली, फिर ग्लास रॉड्स को सिल्क पे रब किया और दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास लेके आए, तो अगेन ही ऑब्जर्व द सेम काइंड ऑफ फिनोमिना दैट टू ग्लास रॉड्स स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। दो ग्लास रॉड्स को पास लेके आए, उन्होंने रिपेल कर दिया। सो व्हाट ही सेड, सेम रिपल्शन कैन बी सीन इन टू ग्लास रॉड्स, सेम रिपल्शन दो ग्लास रॉड्स के बीच में भी देखने को मिल सकता है। देन ठीक है, तो इससे क्या, तो उन्होंने ये कहा कि जो दो प्लास्टिक रॉड्स हैं और दो ग्लास रॉड्स हैं, भले ही इन सभी के पास एक अट्रैक्शन की पावर है, इनके पास एक किसी प्रकार की एनर्जी है, किसी प्रकार की शक्ति है जिसकी वजह से ये पेपर क्लिप को अट्रैक्ट करती है। फिर उन्होंने एक और फिनोमिना किया, इन्होंने एक प्लास्टिक की रॉड ली और एक ग्लास की रॉड ली, और इन दोनों को, प्लास्टिक रॉड को रब किया पेपर फर के ऊपर और ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के ऊपर, और रब करने के बाद जब ये प्लास्टिक और ग्लास रॉड को क्लोज लेके आए, सो ही ऑब्जर्व दैट दीज टू रॉड स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। सो व्हाट ही ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व दैट अ ग्लास
एंड अ प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट्स ईच अदर. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट दो ग्लास रॉड्स रिपेल करती हैं, दो प्लास्टिक रॉड्स रिपेल करती हैं, बट एक ग्लास रॉड एक प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और दोनों ही पेपर क्लिप को अट्रैक्ट करती हैं. तो इसका मतलब इन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि अगर आप ध्यान से देखें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्लास रॉड, तो मैंने दो एक जैसी ग्लास रॉड्स को फर के ऊपर रब किया, सिल्क के ऊपर रब किया और उन दोनों ग्लास रॉड्स को पास में लाया तो उन्होंने रिपेल किया. अब जब मैं दोनों ग्लास रॉड्स को सिल्क के ऊपर रब करता हूं तब दोनों के पास कुछ ना कुछ एनर्जी आती है, कुछ ना कुछ शक्ति आती है, कुछ पावर आती है जिसकी वजह से वह अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट करते हैं. तो इन्होंने कहा कि ग्लास रॉड के पास एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी है, ग्लास रॉड के पास एक तरह का एनर्जी है और प्लास्टिक रॉड के पास दूसरे तरह की एनर्जी है. अगर दो प्लास्टिक रॉड्स को पास में लाऊंगा तो वह रिपेल होंगे क्योंकि दोनों के पास सेम एनर्जी है. अगर दो ग्लास रॉड्स को पास लेके आऊंगा तो वह भी रिपेल होंगे अगर दोनों क्योंकि दोनों के पास सेम एनर्जी है. लेकिन अगर एक प्लास्टिक रॉड और एक ग्लास रॉड को पास पास लेके आऊंगा तो यह दोनों अट्रैक्ट होंगे बिकॉज दोनों के पास एनर्जी तो है लेकिन एनर्जी अलग अलग है. तो इस बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर हम यहाँ पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, थेल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी मीन्स अट्रैक्शन. अट्रैक्शन क्रिएट जो हो रहा है एम्बर के द्वारा वह उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. सो फ्रैंकस डू फ्राई ने यह प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स. यहां पे उन्होंने कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो फ्रैंकस डू फ्राई ने यह प्रूव कर दिया यह ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को लेके कि दोनों के पास एनर्जी तो है, दोनों के पास किसी प्रकार की पावर जरूर है, बट दो सेम पावर वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, दो डिफरेंट पावर वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो इन्होंने कहा कि ग्लास रॉड के पास अलग पावर है और प्लास्टिक रॉड के पास अलग तरह की पावर है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है. इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स. बट अगेन ये प्रूव नहीं कर पाए कि ये फिनोमिना आखिर हो क्यों रहा है. इन्होंने तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन दे दिया कि ऐसा होता है और ऐसा होने के बेसिस पे ये कंक्लूजन दे दिया कि ऐसा भी होता है, बट ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, इन दोनों के पास ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये फिनोमिना देखने को मिल रहा है. तो इसके बारे में जब फ्रैंकस डू फ्राई से पूछा गया तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, यह इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ. फिर और समय बीतता गया. देन आए द मोस्ट पावरफुल पर्सन जिनके बारे में आपने सुना है, दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन. सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आके इस इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में एक रिवॉल्यूशन ला दिया, एक नई पहचान दे दी इलेक्ट्रिसिटी को. वह पहचान क्या दी, उन्होंने कैसे प्रूव किया, वी विल स्टडी दिस. फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा लाया गया रिवॉल्यूशन. सो वी विल स्टडी अबाउट द बेंजामिन फ्रैंकलिन. हम ये जानने की कोशिश करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एग्जैक्टली किया क्या. देखिए, जो हमने अभी सीखा कि थेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि एम्बर किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, एम्बर उन स्ट्रॉ को अट्रैक्ट करता है अगर उसे रब कर दिया जाए. और फिर विलियम गिलबर्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, देन फ्रैंकस डू फ्राई ने एक्सपेरिमेंट किया. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया इन सभी थ्योरीज को एक साथ रखते हुए, और उन्होंने उस चीज को भी याद किया जो बाबा आदम के जमाने में चलती थी, दैट इज पत्थर को रगड़ना, उससे स्पार्क निकालना और फायर प्रोड्यूस करना.
इस चीज को भी उन्होंने और डिटेल में स्टडी किया। उन्होंने ये देखा कि स्पार्क जो निकलता है वो दो पत्थर के रगड़ने से एक स्पार्क निकलता है, तो वहां पे भी एक्चुअल में क्या हो रहा है, वहां पे भी रबिंग हो रही है। और थेल्स ने, विलियम गिलबर्ट ने या फ्रैंकस डुफ्राय ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें भी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली तो रबिंग ही हो रही है। आप भले ही ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ रहे हैं या फिर प्लास्टिक रॉड को फर से या फिर एक स्टोन को दूसरे स्टोन से और या फिर एम्बर को स्ट्रॉ से, दोनों ही फोर केसेस में, सभी चारों केसेस में एक चीज कॉमन है कि रबिंग हो रही है। तो इस रबिंग की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा फिनोमेना हो रहा है, ये रबिंग ही जिम्मेदार है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। ओके ठीक है, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और सोचा, और उन्होंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे, जब वो घर के बाहर बैठे थे तो उस समय बारिश हो रही थी और बारिश के मौसम में उन्होंने आसमान में बिजली कड़कते हुए देखा। अचानक से उन्हें दिखा कि आसमान में एक स्पार्क सा निकला, एक बहुत ही ब्राइट सी एक लाइन बनी और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वह लाइन गायब हो गई। और उन्होंने ये देखा कि वह जो लाइन बनी है उस लाइन में भी कुछ वैसा ही स्पार्क दिखाई दे रहा है जैसा स्पार्क आपको पत्थर रगड़ने से दिखाई देता है। पत्थर रगड़ने से स्पार्क निकला और आसमान में एक स्पार्क निकला। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि क्यों ना इस स्पार्क को स्टडी किया जाए, इस स्पार्क को समझा जाए। और इस स्पार्क को समझने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया विच इज वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज काइट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया विच इज काइट एक्सपेरिमेंट। काइट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है क्या होता है। काइट एक्सपेरिमेंट में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पतंग उड़ाई। तूफान था, तूफान का मौसम था, उस मौसम में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या करा, एक काइट ली, उस काइट पे ऊपर एक चाबी बांध दी, एक की को लटका दिया और उस काइट को फिर तूफान में उन्होंने उड़ाना शुरू किया। तो नॉर्मली हम क्या सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये तो पागल है, ये क्या कर रहा है, तूफान में पतंग उड़ा रहा है। सो उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी के स्टडी में एक नया रेवोल्यूशन लाया। कैसे, काइट में उन्होंने क्या करा, एक की को बांधा और उस की को तूफान में छोड़ दिया। तो तूफान आया, बारिश होना शुरू हो गई, बारिश होने की वजह से क्या हुआ, बारिश होने की वजह से उस काइट का पूरा धागा गीला हो गया और वह की उस काइट में लटकी रही, पतंग उड़ती रही, काइट में की लटकी रही और धागा गीला होता रहा। बहुत देर तक जब बेंजामिन फ्रैंकलिन उस पतंग को उड़ाते रहे तो उसके बाद आसमान में अचानक से एक बिजली कड़की, अचानक से उन्हें दिखा कि वह लाइन वापस से दिख रही है जैसी लाइन उन्हें पहले दिखी थी, जो स्पार्क उन्हें दिखा था एग्जैक्टली वैसा ही स्पार्क वापस से दिख रहा है आसमान में। और उस स्पार्क के दिखने के बाद उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखा कि जो चाबी, जो की उन्होंने अपनी पतंग पे लटकाई है वह स्पार्क उस की को टच कर गया। कुछ ऐसा फिनोमेना हुआ कि वह स्पार्क उस की को टच करके चला गया और टच करने से क्या हुआ, टच करने से उस की में एक मूवमेंट हुआ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि ये जो मूवमेंट हुआ है ये इस स्पार्क की वजह से हुआ है, जो भी चीज हुई है इस स्पार्क की वजह से हुई है। फिर जैसे ही उन्होंने अपने पतंग के धागे को, उस काइट के थ्रेड को उन्होंने जैसे ही टच किया, ही फेल्ट अ स्पार्क, उन्हें एक बहुत जोर का झटका अपने हाथ में फील हुआ। और उन्होंने ये कहा कि ये जो झटका हाथ में फील हुआ है, इस झटके में भी कुछ वैसी ही पावर है जो पावर पत्थर के रगड़ने से निकलती है। सो ही सेड कि आसमान में जो फिनोमेना हुआ वो भी किसी ना किसी चीज के रब होने से हुआ है, किसी ना किसी चीज के रगड़ने से हुआ है। तो उन्होंने ये देखा कि फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को किया जाए। उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया और बहुत स्टडी के करने के बाद उन्होंने ये पता लगाया कि जो स्पार्क आसमान में दिख रहा है वह स्पार्क बेसिकली दो क्लाउड्स के रबिंग से हो रहा है। दो क्लाउड्स टकरा रहे हैं, रब हो रहे हैं, उनकी रबिंग की वजह से वह स्पार्क उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही,
उन्होंने कहा कि जो भी चीज रब करने पे इस तरह का फिनोमिना दे रही है, ये सभी फिनोमिना और कुछ नहीं बट इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना ही है। ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये कोई अलग फिनोमिना नहीं है। जहां पे भी दो चीज रगड़ती हैं, वहां पे एक स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है और यह स्पार्क इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिसिटी। और इस पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर लोगों ने कहा कि फ्रैंकस डूफ्राई ने तो बता दिया कि दो तरह की होती है, ग्लास रॉड पे और प्लास्टिक रॉड पे अलग अलग होती है, तो आपने क्या नया बताया। तो उन्होंने एक नई चीज का डिस्कवर किया, एक नई चीज डिस्कवर की जिसे नाम दिया गया चार्ज, विच इज कॉल्ड एज चार्ज। उन्होंने कहा कि जो ये स्पार्क निकल रहा है, जो ये झटका, जो ये शॉक फील हो रहा है, या फिर जो ग्लास रॉड का अट्रैक्शन हो रहा है, या प्लास्टिक रॉड का अट्रैक्शन हो रहा है, या दो प्लास्टिक रॉड्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है, यह सभी फिनोमिना हो रहे हैं ड्यू टू चार्ज। तो उनसे पूछा गया चार्ज क्या है, तो उन्होंने कहा कि चार्ज इज नथिंग बट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट्स अ इट्स नथिंग बट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यह मैटर की एक प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने कहा कि चार्ज बेसिकली क्या है, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब जब आप एक ग्लास रॉड को सिल्क रॉड से रगड़ते हो, तो उस रगड़ने में, उस रबिंग के फिनोमिना में, सिल्क रॉड, ग्लास रॉड में एक एनर्जी आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है। दैट पावर, दैट एनर्जी इज ड्यू टू चार्ज। वह एनर्जी उसे चार्ज से मिल रही है। और उन्होंने कहा कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह चीज बताई कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की है, जिसमें एक को हमने कह दिया पॉजिटिव चार्ज, एक को कह दिया हमने निगेटिव चार्ज। फिर उन्होंने कहा, ऐसे ही रैंडमली उन्होंने कह दिया कि मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक रॉड के पास निगेटिव चार्ज, ऐसा उन्होंने कह दिया। क्योंकि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि दो ग्लास रॉड्स जब पास पास लाते हैं तो वह रिपेल हो जाती हैं, और दो प्लास्टिक रॉड्स जब पास पास लाते हैं तो वह भी रिपेल हो जाती हैं। लेकिन एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड को पास पास लाते हैं तो वह अट्रैक्ट होती हैं। तो इस चीज को उन्होंने प्रूफ कैसे किया, उन्होंने कहा कि ग्लास रॉड के पास हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, प्लास्टिक रॉड के पास हम मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है। बट फिर साइंटिस्ट कम्युनिटी ने उनसे पूछा कि जो आप कह रहे हो कि ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज है, प्लास्टिक रॉड के पास निगेटिव चार्ज है, तो ये ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आया कहां से, ये चार्ज इसे मिला कहां से, ये आया कहां से इसके पास। कुछ तो फिनोमिना हुआ होगा कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव ही क्यों आया, निगेटिव क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ। तो इसके बारे में उन्होंने और स्टडी करी और स्टडी करी। फिर उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको सिल्क से मिला है, दिस पॉजिटिव चार्ज इट इज फ्रॉम सिल्क, यह सिल्क से इसको मिला है। और प्लास्टिक रॉड के पास निगेटिव चार्ज, यह प्लास्टिक रॉड को निगेटिव चार्ज फर से मिला है। फिर साइंटिस्ट ने पूछा कि सिल्क के पास ये पॉजिटिव चार्ज आया कहां से, ऐसा क्या हुआ कि मैंने सिल्क के ऊपर ग्लास रॉड रब किया तो सिल्क ने अपना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को दे दिया,
और सिल्क के पास वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ गया, फिर फर के पास ये निगेटिव चार्ज कहाँ से आ गया, इनके पास ऐसी क्या फिनोमिना है, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि इनके पास पॉजिटिव और निगेटिव जैसे चार्जेस हैं। बट नॉर्मली देखा जाए तो ना सिल्क किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, ना ही फर किसी चीज को अट्रैक्ट करता है। अगर इसके पास चार्ज था, जैसे कि हमने कहा ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आया तो सिल्क रॉड, सिल्क से पॉजिटिव चार्ज इसे मिला तो ग्लास रॉड ने पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट किया। लेकिन अगर मैं सिल्क को पेपर क्लिप के पास लेके जाऊं तो सिल्क क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा? अगर सिल्क के पास पॉजिटिव चार्ज था जो कि उसने ग्लास रॉड को दे दिया तो सिल्क क्यों नहीं अट्रैक्शन कर रहा या फर क्यों नहीं अट्रैक्शन कर रहा, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बट ओवर द टाइम वहां पे जहां पे बेंजामिन फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे थे, पैरेलली जे जे थॉम्सन और रदरफोर्ड, जे जे थॉम्सन एंड रदरफोर्ड वर स्टडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पैरेलली क्या हो रहा था, पैरेलली जब बेंजामिन फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे तब जे जे थॉम्सन और रदरफोर्ड एटम के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और तब तक इन्होंने ये चीज प्रूव कर दी थी कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और यह भी प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के पास किसी प्रकार का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। और साथ ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना प्रूव किया था कि एक जो एटम होता है यह एटम न्यूट्रल होता है। किसी भी मैटर का एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इस एटम में बीच में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है और इसके चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और फिर इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि अगर मैं इस एटम को देखूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो इसके अंदर है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो इस एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल बराबर है। लेकिन अगर ये एटम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को फेंक देता है या एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के बाहर निकल जाता है तब क्या होता है, तब इसके पास पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगा, किसी दूसरे एटम में जाएगा, तो जिस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा वह एटम निगेटिवली चार्ज हो जाएगा बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। सो रदरफोर्ड और जे.जे. थॉम्सन ने ये प्रूव कर दिया कि अगर ये एक एटम है और यह एक दूसरा एटम है तो इस एटम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, दिस इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसे दे दूं तो दिस एटम विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस एटम विल बिकम निगेटिवली चार्ज्ड। क्या हुआ, एक एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे दिया, दूसरे किसी मटेरियल को दे दिया, तो उससे क्या हुआ, यह मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो गया और यह मटेरियल निगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन इस चीज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कैसे यूज किया जाए, तो फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया और डिस्कशन किया और इसके बारे में स्टडी करी और उन्होंने कहा कि जो ये चार्ज है दिस चार्ज इज लाइक मास, यह चार्ज मास की तरह है।
जैसे मास क्या है, मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, उसी तरह से चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, साथ ही चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज एक ऐसी चीज है जिसको ना बनाया जा सकता है ना जिसे खत्म किया जा सकता है। चार्ज अगर एक बॉडी से निकल रहा है तो निश्चित ही वह दूसरी किसी बॉडी में जाके रिसाइड कर रहा होगा। तब उन्होंने कहा कि अगर इस ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आया है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आया कहां से, यह पॉजिटिव चार्ज सिल्क से मिला। मतलब जब मैंने इस ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर रब किया था, तब सिल्क ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन इस ग्लास रॉड के एटम्स को दे दिया था। सिल्क के एटम में ग्लास रॉड, सिल्क के एटम में जो इलेक्ट्रॉन था वह निकल के ग्लास रॉड में चला गया, सॉरी सिल्क के जो ग्लास रॉड के अंदर जो एटम था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इस सिल्क के अंदर आ गया। उससे क्या हुआ, ग्लास रॉड के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई और सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो निश्चित ही अगर ग्लास रॉड पॉजिटिव हो रहा है तो सिल्क को निगेटिवली चार्ज होना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि सिल्क के पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था जो उसने निकाल के ग्लास को दे दिया। क्या हुआ फिनोमिना, जब मैंने ग्लास रॉड को सिल्क पे रगड़ा तो इस ग्लास रॉड के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, वह उछल गए, उछल के सिल्क के अंदर चले गए। इसीलिए क्या हुआ, यह पॉजिटिव चार्ज हो गया और यह निगेटिव चार्ज हो गया। सेम फिनोमिना इस प्लास्टिक रॉड और इस फर के बीच में भी हुआ। कैसा, जब आपने प्लास्टिक रॉड को फर पे रब किया तो फर में से इलेक्ट्रॉन्स निकले और वह चले गए प्लास्टिक रॉड में। तो उससे क्या हुआ, अगर प्लास्टिक रॉड निगेटिवली चार्ज हुई तो फर चार्ज हो गया पॉजिटिवली, तो फर में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्लास रॉड के सिल्क के पास कोई इंटरनल पावर थी या फर के पास कोई इंटरनल पावर थी जो उन्होंने इस प्लास्टिक और इस ग्लास रॉड को ट्रांसफर कर दी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हुआ है। इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है। साथ में इन्होंने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग कही, इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सिल्क। तो उन्होंने ऐसा कहा कि चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो कंजर्व हो जाती है। कंजर्व मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लास रॉड से निकले होंगे उतने पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स इस सिल्क के अंदर आ चुके होंगे। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे आया है उतना ही निगेटिव चार्ज इस सिल्क रॉड पे, इस सिल्क के फाइबर पे भी आया होगा। तो इस तरह से इन्होंने प्रूफ किया कि जो ये शक्ति आई है, जो ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई है इनके अंदर, जो अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है, दैट अट्रैक्शन इज नथिंग बट दिस पॉजिटिव चार्ज। वो अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुआ है, या प्लास्टिक रॉड में कहें तो निगेटिव चार्ज की वजह से हुआ है। उसके बाद इन्होंने चार्ज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इन्होंने यह बताया कि चार्ज अगर एक फंडामेंटल फिनोमिना है, अगर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, तो उसका क्या बिहेवियर है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उस चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। सो वी विल गोइंग टू डिस्कस दोज प्रॉपर्टीज। पहले इसे आप नोट कर लीजिए।